छत्तीसगढ़ के जसपुर में काम बंद और कलम बंद के बैनर पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सारे सरपंच बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के जसपुर में अपने सरपंच संघ वाले अपने 13 सूत्रों मांगों को लेके हड़ताल में बैठे हैं, आंदोलन में बैठे हैं। आइए हम जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। उस छत्तीसगढ़ सरकार से अपने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सारे सरपंच कलम बंद और काम बंद के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ सारे सरकारी कर्मचारी और दूसरे तरफ ये सरपंच संघ बनाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसे में जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए मैं आपको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ के जसपुर के रणजीता मैदान के पास, जहां सारे सरपंच धरने में बैठे हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के रणजीता स्टेडियम में, यहां पे सरपंच संघ वाले अपने मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आइए, आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनको क्या मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं यहाँ के सरपंच संघ वाले से। लेकिन हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे? छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ के आह्वान पर जी 13 सूत्रीय मांग को लेके सभी सरपंच साथी ब्लॉक स्तर पर काम बंद कलम बंद के तहत में अनिश्चितकालीन हड़ताल। काम बंद और कलम बंद है जी, मतलब जी पंचायत में किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा है, सभी ठप हैं। और अभी तक हमारी मांगों को देखा जाए तो सरकार की ओर से किसी भी तरह का प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया जी। मुख्य तौर से क्या क्या मांगे सर आप लोग का? मुख्य तौर से मांगे हैं कि आज हम लोग एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और आज हमें वेतनमान के आधार पर मात्र 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जो एकदम निम्न है। आज 2000 रुपये में हम यात्रा भत्ता करें या पंचायत में हम भ्रमण करें या हम भरण पोषण करें सभी सरपंच अपने परिवारों का। आप भी जानते हैं आज महंगाई के दौर पे कुछ भी नहीं है, 2000 रुपया ये बहुत कम राशि है। तो मानदेय के रूप में सभी सरपंचों का प्रति माह 20,000 होना चाहिए और वार्ड पंच का कम से कम 5,000 रुपया होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जैसे एक सांसद एक विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और उनका निधि होता है और वो निधि के तहत पे अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने सांसद क्षेत्र में विकास का कार्य करते हैं, उसी तरह एक सरपंच का भी पंचायत निधि होना चाहिए ताकि हम अपने पंचायत में जो विकास कार्य के लिए जो एजेंडा बनाते हैं, गांव में सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, छोटे छोटे कलबट निर्माण, इस तरह के अन्य बहुत सारी समस्याएं होती है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम अपने रूप अनुरूप में हम अपने अपने ग्राम पंचायत का विकास कर सके, इसलिए हमें प्रत्येक सरपंचों को ग्राम पंचायत में पंचायत निधि होना चाहिए। और जैसे चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे सांसद विधायक को पेंशन मिलता है, वैसे सरपंचों का भी पेंशन होना चाहिए। और इसमें मुख्य बातें ये हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव धारा 40 के अंतर्गत में जो सरपंच साथियों के का होता है, ये अनुचित है, क्योंकि एक सरपंच पंचायत का प्रतिनिधि होता है और चुन के आता है और कोई राजनीतिवश और कोई जलनवश सरपंच को के खिलाफ में वार्ड पंच को भड़काकर धारा 40 का दुरुपयोग करते हैं, जिसे सरपंच को झेलना पड़ता है। ये मुख्य मांगे हमारी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में धारा 40 में संशोधन करें ताकि सभी सरपंच जो चुने होते हैं वो 5 साल के लिए सुरक्षित रहे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो ये आप लोगों का अनिश्चित मांग है सर, अनिश्चित मतलब हड़ताल चलेगा जी, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक जी। इससे पहले मैं बता दूं कि पंचायती राज अभी लगभग 35वां साल चल रहा है और इससे पहले जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि खासकर पंचायत में सरपंच या तो एकजुट नहीं हो पाते थे या किन्हीं कारण से सरकार के पास में सरपंचों का
जो दुर्दशा है उसको बता नहीं पाते थे, लेकिन आज हम लोग छत्तीसगढ़ में सारे सरपंच, वार्ड पंच से लेके सरपंच तक, पूरा ब्लॉक से लेके जिला से लेके प्रदेश स्तर तक आज हमारा संगठन है और पूरा मजबूत संगठन है। हम लोग एक सूत्र में, एक साथ में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जो हमारी समस्त जो 13 सूत्रीय मांगे हैं वो हमारी जायज हैं और यह मांगे जब तक हमारी बातें सरकार नहीं सुनेगी, काम बंद कलम बंद के तहत में हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे और जब तक सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है हम लोग हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। ये है ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम जी। गंगाराम जी, आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा उस स्थिति में कैसे हो? सब काम बंद है, सब काम। भाई साहब, हम लोग का ये 13 सूत्री मांगे हैं जी, अगर ये जैसे आपका सरपंचों का, पंचों का ये वेतन है, अगर हम लोग का वेतन बन जाता है और मान लीजिए ये 5 लाख राशि तक सभी कार्य में, कार्य एजेंसी पंचायत को बनाया जाए और हमारे 13 सूत्र ऐसे मांगे हैं, अगर हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग बेहतरीन तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के लोग बाग ये मुख्यमंत्री का जबरदस्त घेराव करेंगे और हम लोग सब उसके लिए तैयारी में लगे हैं। आज आंदोलन का 8वां दिन है, आज आंदोलन का 8वां दिन है। ऐसे में कुछ उधर से सुनना, कुछ मध्यस्थता निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है? बात तो हो रही है लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है जी। अभी तक मतलब कुछ सूचना नहीं मिला है आंदोलन के संबंध में? कुछ सूचना नहीं आया है अभी तक तो। कल बिलासपुर में बैठक है जी, उसमें पता चल सकता है कि उसमें कौन कौन सी मांगे आपने दिया जा रहा है। कब है? कल। कल जी। दुबरा जी बताएंगे क्या मांग है आप लोगों का? हमारे 13 सूत्रीय मांग है। तो कब तक चलेगा ये हड़ताल? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक पूरा मांग चलेगी। ऐसे में हमें ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सबसे पहले किन की मांगों को सरकार पूरा करेगी। दोनों ही सरकारी कर्मचारी और सरपंच संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, यानी कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए सनसनी न्यूज, जसपुर की सही न्यूज, ग्राउंड की न्यूज बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।